ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ਜਲੰਧਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸ਼ੇਖ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਸ਼ੇਖ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸਨ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸਨ। ਸ਼ੇਖ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਉਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸ਼ੇਖ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਹ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੇਖ ਦਰਵੇਸ਼, ਜੋ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸਨ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ਦਰਵੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਕਟਿਏ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਤ ਕੁਟਿਆਂ ਆਵੇ ਸਾਧਿਕ ਜਿਤ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
इस गुरुद्वारा साहिब वालों एक सिलाई सेंटर भी चलाया जाता है, जिस विच औरतां कपड़ियां दी सिलाई कर दिया हन अते सिलाई सिखदियां भी हन। इस गुरुद्वारा साहिब विच जो भी व्यक्ति सच्ची मनोभावना नाल सेवा करता है ते सच्चे मन नाल वाहेगुरु जी कोलों जो भी मंगदा है उस दियां मनोकामनावां पूरियां हुंदियां हन। पेश है एक गुरु दे सेवक दी मूँह बोली कहानी, जो कि रोज़ गुरु घर आ के सेवा ते मत्था टेकते सन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हाँ धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का, जिन्हां दी अपार कृपा सदका मेरी बेटी जसलीन कौर, जिसने के दसवीं विचों छेवें पठन नंबर लै के स्कूल का नाँ और इस माँ प्यो का नाँ रोशन किया है, अते उस धन धन गुरु हरगोबिंद साहब जी का बहुत ही शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने इस लड़की ते अपार कृपा की है। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। मैं परमात्मा का बहुत धन्यवाद करना चाहनी हाँ जिन्होंने मैनू इन्नी मेरे ते अपार कृपा की, मैनू इन्ने नंबर बख्शे दसवीं क्लास चो। मैं अपनी टीचर्स अपने पेरेंट्स का बहुत वड्डा धन्यवाद करना चाहनी हाँ, क्योंकि इन्होंने मैनू बहुत मेरी मदद की, चाहे वह मेरे दुख हो चाहे मेरे हमेशा मेरा साथ दिता ते मैनू हौसला दिता कि अगे होर वध सकदी हैं, भावें मेरे जिन्हें मर्जी घट नंबर आए हों। इन्होंने कहा नहीं तू होर कर सकती हैं, तो मैं निरंतर जपजी साहब का पाठ करती सी, तो उन्होंने मैं मन चिंदिया फल मेरा बख्शिया है, तो मैं बहुत थैंक यू वाहेगुरु का शुक्र करती हूँ। आओ एक बार गुरु घर के सेवकों वालों इस गुरु घर के पावन इतिहास को सरवण करते हाँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्रसाद संगत जी, हो आप जी वड्डे भागां वाले हो, जो जलंधर शहर के पुरातन इतिहासक स्थान गुरुद्वारा चरण कमल साहब पातशाह छेवीं मीरी पीरी के मालिक धन धन हरगोबिंद साहब महाराज की पावन पवित्र चरण चौ प्राप्त स्थान, जिस दे आप संगत दर्शन कर रहे हो। धन धन हरगोबिंद साहब महाराज जी करतारपुर चौथी और आखिरी जंग जितने तो बाद शेख दरवेश जी तिना की बेनती प्रवान करते हुए उन्होंने दर्शन दीदार देने लिए इस पावन इतिहासक भोरा साहब विखे सतगुरु महाराज अपने मुबारक चरण रखे और शेख दरवेश जी को दर्शन दीदारे बख्श के उसके जो मन के शंके से उन्होंने निवृत्त करते हुए उन्होंने मुक्ति का मार्ग बख्शिया। अज संगत बहुत वड्डी गिनती विच दूरों नेड़ियों चल के इस स्थान पर दर्शन कर दिया हन और अपना जन्म जो सफला कर दिया हन और मन दिया जो भी मनोकामना होंदिया संगत दियाँ सतगुरु महाराज के पार बख्शी सदका इस स्थान तो हमेशा ही पूरिया होंदिया हन। इस स्थान ते बहुत ही दूरों दूरों संगतां आंदियां ने ते अपनियां मनोकामनावां पूरियां करके जांदियां हन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।